पीछे दो सर। चलो बाइट। हाँ लगा, बूम लगा। चलो। अरे सर केबल पे बैठ गए। अरे उधर बैठ जा। पहले आप बैठ जा। अंदर। चलो साइलेंट। अरे भाई एक्सलर पे बैठ गया भाई। एक्सलर पे बैठ गया। स्टार्ट करें। सो सर रेडी साइलेंस। बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। फिटनेस फैक्ट्री बहुत सारे फिटनेस जिम है, बट व्हाट इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस एंड समथिंग अबाउट गोविंदा जी ने आज खाली इनॉग्रेशन किया, उसके बारे में बताना। यस फिटनेस फैक्ट्री एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। अपार्ट क्लास है। इसमें द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि हमने सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है एक ही स्टोर पे दे दी है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। यू हैव टू फिटनेस ले लीजिए, जुम्बा ले लीजिए, योगा, पावर योगा, डांस, स्पिनिंग स्टूडियो, इसे 24/7 एंटायर थिंग इज़ अंडर वन रूफ। This is all about Fitness Factory. We are coming up with the very new things that other gyms don't have as of now. Before starting this Fitness Factory, that my partner, Mr. Deepak, we have visited almost 6 countries to start up this Fitness Factory. What is the international level of the gymming? We are providing the international of the gymming in India now. This is our second branch. Successfully, first branch is completing first year in next. One on 17th of August. So this is our second branch. We are coming across India with the branch. Govinda sir, आप fitness को लेके कितने conscious हैं और किस तरह रोजाना कुछ करते हैं fitness के लिए? क्या आपका regime होता है? मैं आजकल speeches भी देता हूँ। What I want to say that I would like to congratulate to Deepak ji, Jatinder ji आप। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगा मुझे। थॉट इसमें ये अच्छा लगा कि यू डोंट हैव टू रश फ्रॉम हियर टू देयर कि ये चीज़ के लिए उधर निकले, ये चीज़ के लिए उधर रश करना है। ऐसा नहीं, एक जगह पे आपको ऐसे सुविधाएं हो जाए जहाँ पे तकलीफ़ नहीं हो किसी प्रकार की। और साथ साथ जो मुझे लगता है, जैसे मैं हूँ, मैं योग प्राणायाम ज़्यादा किया करता हूँ और योग प्राणायाम के साथ जिम में आप आएँ तो ऐसा माहौल मिल जाए कि ऐसा लगे कि भैया ये सब जो हो रहा है सब नेचुरल है। और साथ साथ यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगे कि यह थोड़ा जिम करें और थोड़ा अपने आप पे रिफ्रेश हो जाए, ऐसे वॉक करें। और टीना यहाँ पे कह रही थी कि आप यहाँ पे आप आइए और आप मुबारकबाद देना चाह रही कि मैं यहाँ पे आऊँ। मेरी फिल्म का सुपरहिट गाना था, जोरू का गुलाब बन के रहूँगा। तो सुविधा इज सेइंग कि आप यू हैव टू गेट जॉइन विद दिस। व्हाट आई वांट टू से, विश्वानि देव सवितुदुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासव त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मोक्षे मामता काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर महादेव। वो इसलिए कि आप If you're fit, then you're hit. आपकी ज़िंदगी में पहला सुख जो है और जो कष्ट से पहले कष्ट से जो निकालता वो आपका अपना स्वास्थ्य। तो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ये मैंने ही पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था और वो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये माहौल मिलेगा। तो God bless and all the best. I would like to congratulate you. गोविंदा जी, आपने बीच में आपने थोड़ा वजन बढ़ा दिया था इंसान के, लेकिन आप तो काफी मेहनत के बाद लाइक अगेन यू आर स्लिम एंड फिट। तो वो प्रोसेस आपने भी देखा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो पहले फिट थे, बीच में शायद कुछ कारणों से लाइक यू नो दे आर नॉट बैक, फिर वापस से वो मेहनत करके आए, तो कुछ आप अपनी मेरी बीती यहाँ पे नहीं इंस्पायर करोगे, इंस्पायर करोगे लोगों को। एक मिनट क्या भाई, थोड़ा बहुत कुछ आपने भी तो बहुत मेहनत की है एक्चुअली। हाँ, मैं मेहनत तो किया करता हूँ, उसका पर्याय नहीं है मेरे पास। यू हैव टू वर्क हार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी में हीरो तो हुआ ही करता है और उसका जो एक्टर है उसका जो मुझे लगता है कि एक्टर का जो फैक्टर हुआ करता है वो फिटनेस फैक्टर से वो कैसे इम्प्रूव करें, लाइफ के अंदर आगे निकले और हार्डवर्क करें, यही जो है महत्वपूर्ण होता है। मेरी अपनी सोच है। गोविंदा जी, यंग स्लॉट में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके हिसाब से कौन फिटेस्ट एक्टर है? अगर यंग स्लॉट की बात करें, वरुण, रणवीर है, कौन है आपके हिसाब से फिटनेस में? आज की तारीख में बिना पैसे लिए तारीफ कहाँ हो? मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर जो फिट हुआ करते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी है। ऐसा लगे कि जो सही है, मतलब ऐसे फ्रेम बहुत अच्छा नज़र आए और अंदर से पार्टी हिली हुई हो। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो आदमी फिट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। गोविंदा सर, आजकल लोग इंटरनेट से काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं फिटनेस के लिए, काफ़ी ब्लॉग्स रहते हैं, बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसा भी होता है जो यू नो इट्स नॉट वेरी करेक्ट और इट्स नॉट वेरी वैलिड। तो आप उनके लाइक आपका क्या व्यू है इस पर, यू नो आप क्या टिप्स देंगे कि फिटनेस के लिए लोगों ने इंटरनेट से ही नॉलेज देना चाहिए या यू नो दे शुड फॉलो समथिंग ऑन देयर ओन आल्सो? हर आदमी समझता है कि वो क्या सही है और थोड़ा वर्क करे एकदम, जिस वक्त समझ रहा हो तो वो कहते हैं वो फास्ट नहीं करे, थोड़ा अपना सोच के समझ के हार्ड वर्क करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप कह रहे हैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब होता है। मैं पॉलिटिकली यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। आप हंसी नहीं, आप हंसी नहीं। मैम आपसे जब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा मैम वो प्रोस्लिम के बारे में, व्हाट इज समथिंग अबाउट प्रोस्लिम स्पेशली, क्या एग्जैक्टली मैं करूँगा चुकी और मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ आपके यहाँ पे। नहीं बिल्कुल जिस वक्त तो मैं बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ पूरे परिवार और बहुत ही अच्छा स्वभाव था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। या मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Basically, ProSlim is a concept wherein आप एक single particular area में अगर inch loss, contouring, tightening, toning, ऐसा कुछ भी अगर आपको चाहिए तो फिटनेस फैक्ट्री के साथ हमने ProSlim का कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा है। तभी जतिंदर एंड दीपक जी had a concept कि everything has to be under one roof. So I'm into industry of slimming past 18 years. तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसी को कोई भी तरीके की मेडिकल इश्यूज़ हो और हम कोई भी तरीके से वो अगर हमारे द्वार पर आए तो उसकी सारे पर्पस हमसे सॉल्व होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी सारे आर्थराइटिस लोगों को यू नो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जिम ना करो तो हमसे निराश होके ना जाए. सो एवरी पर्पस इज सॉल्व व्हेन अ पर्सन एंट्री इनसाइड द फिटनेस फैक्ट्री इन प्रोस्लिम. सो वी आर हियर इन मुंबई टू क्रिएट द जेन्युइन अवेयरनेस हाउ फिटनेस विल गो एंड विल मेक एवरीबडी टू लूज वेट एंड फील ग्रेट. ओके गोविंदा जी, कभी मसल को किसी को मसलने के लिए कभी काम हम कभी हुआ ऐसा कभी मुझे ऐसा लगता है बेसिक टेक्निक फॉर ऑल टेक्निकलिटीज इज अ फिटनेस. तो आप और ये फिटनेस फैक्ट्री है तो इट्स अ बेसिक टेक्निक फॉर ऑल टाइप ऑफ टेक्निकलिटीज. यहाँ से ये शुरुआत होती है. तो आप जितनी ज़्यादा टेक्निकली आप करेक्ट रहेंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे. गोविंदा सर डेविड जी आपकी सुपरहिट कूली No. 1 का रीमेक बना रहे हैं वरुण धवन के साथ. आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बात की उनसे, कुछ सजेशन देंगे वरुण को? बिना पैसे लिए ये सब क्या नहीं, बट आपकी हिट फिल्म थी गोविंदा सर. मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि जितनी टाइम मैं ये आप लोगों के लिए पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देता हूँ उसे अपने अपने तरीके से लोग छाप के प्रेजेंट कर देते हैं, फिर उसमें से फिर और टॉपिक निकलता है. क्या डिस्कस करना है सर? वीडियो कैमरा ऐसा ये नहीं होगा. हाँ, आपके सिर्फ व्यू जानने बिकॉज आपकी सुपर हिट. आप पर लोग ये कहेंगे कि कमेंट किया ही नहीं तो छापेंगे नहीं. गोविंदा सर अक्सर बातें आती हैं कि गोविंदा सर के अब रिश्ते डेविड बोन सर से उतने अच्छे अब नहीं रहे. कुछ उस पर कुछ एलेबरेट करें, उन्हें कुछ जवाब दें. इस विषय पे अभी चर्चा नहीं कीजिए, डिस्कस नहीं कीजिए. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम जीवन में अपनी स्वस्थता का ख्याल किया करते हैं उस तरह से जो हम टॉपिक निकाल रहे होते हैं वो भी स्वस्थ होना चाहिए. मतलब हर हाल में क्या डिस्कस करना है, ये सब काम करें, हार्डवर्क करें, आगे बढ़ें. दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर. गोविंदा जी जियर आज उनके शुभ हाथों से यहाँ जो ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहोगे? और भाई बोलो. उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. हमारे ड्रीम हीरो रहे, अपने ज़िंदगी में सबको हंसाते रहे जो बहुत ज़रूरी है. अच्छे तो मुझे बचपन से मेरे फेवरेट, मतलब मुझे फेवरेट हीरो रहे मेरे. और कंटेंट ठीक है, ज़्यादा बात है तो मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अवेयरनेस है, हम लोग काफ़ी पीछे थे. तो हमने मेरे पार्टनर से डिस्कस करके, रतिंदर जी से डिस्कस करके किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. अब मीडिया पीपल से भी मेरी अनुरोध है कि आप भी एक बार ये सब इंस्ट्रूमेंट देखिए. ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी जिम में आपको इंडिया में कहीं देखने को मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. तो मैं मेरी और सर की कोशिश रही है कि हम बेस्ट टू बेस्ट हमें इंस्ट्रूमेंट क्या सकते हैं. एक बहुत सिंपल सी चीज़, समाज में अच्छा काम ऐसा करते रहें जो सबको हेल्प भी दे, प्रॉस्पेरिटी दे और साथ में हम भी प्रॉस्परस रहें. थैंक यू वेरी मच. एक हेल्दी क्वेश्चन है सर, इससे रिलेटेड नहीं. महमूद साहब से आपका जन्मदिन आ रहा है सर, आपका भी कोई हाथ कॉमेडी में पकड़ नहीं पाया अभी तक, और बड़ी लेजेंड है. लेजेंड अगर लेजेंड के लिए कुछ कह सकते तो बहुत ही प्रेरणा स्रोत है. और मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसा उत्तम कलाकार मुझे लगता है कि मैं तो नहीं देखा भैया महमूद जी जैसा. मतलब कि वो प्रसिद्ध हुए अपनी कॉमेडी के लिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिनय वो करते थे, जिस तरह के वो किरदार निभाते थे, चाहे जिस टाइप के वो मुझे ऐसा लगता है कि कमाल करते हैं. और न भूतो न भविष्यते टाइप का वो वक्त था. और आज भी मैच नहीं उस लेवल के. मुझे मैं क्षमा मांगना चाहूँगा सब आर्टिस्ट लोगों से, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो उस हद में थे. और बहुत कमाल की बात है, जो लोग जिससे अवगत नहीं होंगे शायद, कि वो बहुत ही सूफी थे और एक अलग लेवल पे उनकी सोच चलती थी. मुझे उनके साथ जो जितना मैं फिल्म लाइन पर डिस्कस किया तो मुझे ऐसा लगा बहुत सूफी और बहुत ही अच्छी नेचर थी. वेरी नाइस. सर, अपने अगले जब लास्ट क्वेश्चन आने वाले प्रोजेक्ट या कुछ अपने प्रोडक्शन से कुछ वर्कआउट हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी मैं अपनी फिल्म का भी यहाँ पे तो चलेगा लास्ट वाला. आप मिलते कहाँ उसका? फिर बहुत बार ऐसा होता है, हम जहाँ मिलेंगे इसीलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, हम तो चाहते हैं आपसे हर बार मिले. पक्का पक्का. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने मेरे लिए वेट किया. आई एम रियली सॉरी आई गॉट लिटिल लेट बट यू आर रियली काइंड. थैंक यू सो मच. थैंक Fitness has always been one of my favorite passions. You can say I have many passion, but fitness comes first. And a lot of people know that I had gained a lot of weight a few years back, and you know, with the right guidance and right diet, I have kind of toned myself up and you know lost a lot of weight. So being associated with a brand, with a gym that is like you know of fitness and things like that, so I feel really happy and really grateful. The diet was also really inaugurated like just he had also put up little break in between. Yeah. You said how much you all motivate yourself. You used to guide him a bit. Yes, I think it was equally because it's very important that you know your friends and your family should always be very motivating towards you because it can be a little depressing when you put on weight. मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि you know just to give up, but I feel blessed that I had the right friends and the right guidance and very supportive parents who just like you know it's okay fine खा लिया तो कोई problem नहीं है kind of a thing. तो उसमें मैं बच गई because yeah, luckily like everyone we all are Punjabis, so you know कभी भी ऐसा लगता था कि मुझे कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया तो mom used to be like नहीं it's okay नहीं तो face का glow चले जाएगा so लोगे काले काले so it was a good it was a fun journey but yeah I'm still getting there. What is something special about this profession? Like say something along with so how it really works? Yeah. I have honestly, this is something very new to me, and I'm looking forward to seeing कि what is ProSlim myself. क्योंकि अभी तो फिलहाल बड़ा जो भी किया है जिम में बहुत मेहनत करके और right diet करके किया है. But I'm sure it's going to be something interesting because if we get some additional boosting of weight loss, मतलब like in a sense if there's an additional thing that can boost in the weight loss process or you know can help us. During that journey of achieving our goals, so I think it can be like that. See, sorry. How often you gonna feed this goal? How? Often you gonna feed this fitness factory? Okay. Yeah. How often are you? From tomorrow onwards, I'm gonna be here. You're gonna be seeing me every day. So who inspires you for the fitness? Honestly, it's my fitness guru and my fitness mentor. That's Virat sir, Virat Samalkar. He has been my mentor in this entire journey. So he's the first person I can say that you know he inspires me, and he's the one who's actually guided me throughout my whole journey. He and his entire team has worked with me in this entire journey. So yes, definitely it's him first. You know, what are the things that you normally follow during your fitness and being in fact? Particular thing really, and your message to the youth who will get inspired to India. So for everyone, whether it's the youth or you know elders or everyone, I would say that take one day at a time, be honest, enjoy the process, have a pizza, have a burger if you feel like eating, get back on track. It's okay to cheat. And love yourself because if you don't love yourself, this entire journey will not be so much fun the way it will be when you start loving yourself and you'll actually enjoy the entire process. Sir, yeah, ma'am, आप कहना चाहोगे she's your brand president. How you would first of all, and how are you looking forward from her? First of all, I am so happy that you know we are starting Andheri branch, which she as the brand ambassador, and she agreed to be. It is like we are obliged and definitely coming to how we can help her. See, we all know it, how are their lifestyles, so you know they are not able to hit so very often the fitness and the gym and everything, so being in the roof We are going to assure her that we are throughout going to be with her. Whenever she go away, any kind of projects comes up, she want to have that lean look all of a sudden and the 15 days workout, you know. Then we are throughout with her whatsoever it is. You would never find her in any of our movie whichever will be coming up that she is out of so-called shape. ProSlim would be always with her whatsoever. How sweet. And even Fitness Factory and even my trainers because I owe it to them as well. And this is like, you know, I would definitely want to try the entire this thing because it will be like a nice icing on the cake. But yes, it's going to be my first experience and I'm looking forward to it. Will not let you down. This is your second factory, so what is special about this starting today? What are you all giving? See, first of all, we have 100+ equipments here in this branch and this is one of the biggest branch in Andheri. And we have a jacuzzi with us, usually gyms mein nahi rehta hai. So you can say that we are very soon starting getting a AAA rating for that. We are working on that. So it is going to be a 7-star gym for the entire country. You know, you wanted to see on the film side, like so what's happening, how are you looking through your projects, बहुत ही जल्द अभी मेरी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है, it's called Laugh Tinder. And मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया है रांझा, that will be coming out. And a few projects that have come to me which I have kind of zeroed down and उनके announcements आएंगे जल्दी से. Dad के साथ भी ऐसा लगता है कि मतलब I would love to work with him. I would love to work with him, but there should be something that should be worth coming on screen with him. Yes. Dad को तो production से production में भी नहीं हम लोग acting में ही घुसे हैं. I would love to work with everyone. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you.